गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर लेसन नंबर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो रिटन बाय रस्किन बॉन्ट लेखक रस्किन बॉन्ट एक बहुत ही अद्भुत नाम अनेक कहानियां रस्किन बॉन्ट की लिखी हुई है हूँ समाज में घटित होने वाली तो यहाँ पर टोटो के कारनामे अब टोटो के क्या क्या कारनामे हैं वो टोटल इसमें बताए गए हैं क्या कहता है दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बहुत ही एक रुचिकर कहानी है द नरेटर नरेटर होता है जो कहानी को बताए मींस वर्णन करता ग्रैंडफादर वाज फोंड ऑफ कीपिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेट्स पेट्स आप जानते हैं पालतू जानवर हैं दादाजी को या बहुत से लोगों को क्या होता है पालतू जानवर पालने का शौक है तो यहाँ पर दादाजी द नरेटर्स ग्रांड फादर यानी कि जो लड़का वर्णन कर रहा है उसके दादाजी को भी पालतू जानवर पालने का शौक था वन डे ही बाट ए मंकी फ्रॉम ए टांगा ड्राइवर फॉर ₹5 एक दिन दादाजी ने ₹5 में टांगा ड्राइवर से एक बंदर को खरीद लिया इट्स नेम वाज टोटो और इसका नाम पहले ही टोटो था इट वॉज ए मिसिस समाल मंकी बड़ा शरारती था तो आप जानते हैं बंदर उस ज़माने में तो थोड़ी कम शरारत करते थे आज के वर्तमान समय में तो सारे ही शरारती हैं एट फर्स्ट हिज प्रैंक्स वर अम्यूजिंग और उसके कारनामे जो शुरू शुरू में थे वो बड़े कुछ तो मनोरंजक लगने लगे एक बार तो आनंद देने वाले थे द फैमिली मेम्बर इन्जॉयड दीज प्रैंक्स और जो ये कारनामे थे इनसे जो परिवार के सदस्य थे आनंदित भी होते थे बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हिज मिस्चीफ बिकेम वाइल्डर लेकिन जो बड़ा होता गया उसकी शरारतें बढ़ती गई ही ब्रोक मैनी थिंग्स इन द हाउस और उसने घर में बहुत सी चीज़ें तोड़ दी और आज का बंदर देखा होगा यदि वो एक कमीज मिलता है तो इतना अच्छा टेलर बन जाता है उसके 20 कमीज बना देता है एक प्लेट के 20 प्लेट बना देता है बिना फैक्ट्री के यानी कि जो भी चीज़ें आती है उसको तोड़ फोड़ करना और आज तो ये काटने में बच्चों को डराने में भी इस प्रकार के बंदर दिखते हैं एट लास्ट ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट ही कुड नॉट कीप टोटो एट होम एनी लॉन्गर अंत में दादाजी ने महसूस किया कि इसको ज़्यादा समय घर पर रखना ठीक नहीं है सो ही सोल्ड टोटो बैक टू द टांगा ड्राइवर फॉर ₹3 इसलिए वापस उसे ₹3 में बेच दिया कहते हैं कि शौक बताया था पालतू जानवरों का द जू आप जानते हैं चिड़ियाघर होता है इंक्लूडिंग ए टोर्टाइस ए पेयर ऑफ रैबिट्स चाहे वो आपके कछुआ था चाहे वो आपके खरगोश स्क्योरल गिलहरी एक पालतू बकरी ये एक छोटा चिड़ियाघर बनाया हुआ था उसमें दादाजी अपने घर में रखते थे द मंकी डिड नॉट अलाउ द एनिमल टू स्लीप इन पीस एट नाइट और इस बंदर को लाने के बाद वो बिल्कुल ही किसी जानवर को सोने नहीं देते थे बताया गया कि इन विंटर टोटो लिंक्ड द बाउल ऑफ वार्म वाटर एक बार तो सर्दी में गर्म पानी का एक उसको नहलाने के लिए किया जा रहा था उसमें डुबकी लगा दी और बड़ी मुश्किल से उसे बचाया गया तो इन्हीं शरारतें और कारनामों के कारण ही टोटो को वापस तांगे वाले को भेजना पड़ा तो ये एक बंदर की शरारत है जो हूँ बहूँ आप देखते हैं केवल ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आता है 2 या 4 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप इसके होंगे तो स्टोरी को पढ़ना है और हूँ बहूँ उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने बंदर देखा नहीं तो आप तो बंदर को देखते हैं उसकी सारी एक्टिविटीज़ उसके जितने एडवेंचर्स हैं आप जानते हैं वो क्या क्या करता है सो थैंक यू ऑल ऑफ यू